पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद रहे राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द की जा चुकी है। बीते कल लोकसभा सचिवालय ने अहम फैसला सुनाया, नोटिफिकेशन जारी किया। अब देखा जाए, राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद मोदी सरकार पर लगातार कांग्रेस पार्टी हमलावर है। एक एक करके यहां पर तमाम वरिष्ठ नेता आगे आ रहे हैं और अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए राजस्थान की सियासत के बारे में, राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर लगातार सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जंग छिड़ी हुई है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक दूसरे पर हमलावर रहे हैं, लेकिन अब अचानक से एकजुट होते हुए नजर आए हैं। आखिरकार क्यों, किस वजह से, इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताना चाहेंगे। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता जाने के बाद सचिन पायलट खुलकर सामने आए, पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। वहीं अशोक गहलोत भी इसे तानाशाही कहते हुए नजर आए हैं। ऐसे में देखा जाए सचिन पायलट ने इसे शर्मनाक बताया, तो वहीं अशोक गहलोत तानाशाही कहते हुए लगातार सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए यहाँ पर दोनों की एकजुटता देखने को मिली है। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक स्वर में नजर आ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ दोनों ही उतर चुके हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने को लेकर सियासी बवाल मच गया है और ऐसे में अशोक गहलोत अब दिल्ली पहुंच गए हैं और सचिन पायलट की मुखरता से इस कार्रवाई के खिलाफ सचिन पायलट भी मुखरता से इस कार्रवाई के खिलाफ बोल रहे हैं। सचिन पायलट का कहना रहा कि भारतीय लोकतंत्र के लिए आज शर्मनाक दिन है। सचिन पायलट ने कहा राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त करके भाजपा ये ना समझे कि जनता की आवाज उठाने में उनको रोक देगी, हम जनता के लिए सच के लिए आवाज उठाएंगे। वहीं सचिन पायलट ने ये भी कहा था कि राहुल गांधी देश के लिए हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अशोक गहलोत कहते हैं कि हम जानते थे कि जिस तरह से राहुल गांधी को रोका जा रहा है, जब से भारत जोड़ो यात्रा कामयाबी के साथ आगे बढ़ी है, महंगाई बेरोजगारी का मैसेज उन्होंने दिया, हिंसा मुक्त भारत हो, प्रेम मोहब्बत और भाईचारे की राजनीति हो, इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के सुर एक नजर आ रहे हैं और उन्होंने एकजुटता पेश कर दी है। क्या वाकई में यहाँ पर राहुल गांधी की जो सदस्यता गई है, यहाँ पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत की इस सियासी जंग को खत्म कर देगा? देखना दिलचस्प होगा कि आलाकमान सोनिया गांधी मुख्यमंत्री क्या वाकई में सचिन पायलट को बनाती हुई नजर आएंगी और अशोक गहलोत को अब राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के बाद अब यहाँ पर दिल्ली की सियासत में एक्टिव करेंगी। इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, या बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।